तो आज हम थोड़ा बहुत तैयार श्यार होकर निकल चुके हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे। आज हमारे यहाँ प्रकाश पुरब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैंने अपने दोस्त को जग्गा डाकू को, ये देखिए रुमाल बांध के जग्गा डाकू बन गया, मजाक कर रहा हूँ, जग्गा डाकू इसका नाम परम है। हम दोनों निकल चुके हैं स्कूटी पे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के लिए। तो हमने स्कूटी बहुत तेज नहीं भगाई, बहुत धीरे भगाई, स्कूटी आराम से चलानी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो आप देखिएगा। तो हम नगर कीर्तन में पहुंच गए, तो नगर कीर्तन पहुंचते ही देखिए कितना क्राउड लगा हुआ है। क्राउड तो ऑलरेडी होना ही था, और ट्रैक्टर पे सारे जो मंडीर घूमती है वो घूम रही थी। और हमने सबसे पहले देखा कि भूख खाने के लिए क्या है, तो हमने साथ ही में नज़र डाली कि हमारे जब हम यहाँ खड़े हैं, साथ ही में हमारे वहाँ मिल रहा है पकौड़े, पकौड़ियाँ और चटनी के साथ हमारे को इंजॉय करना था। तो ये परम शर्म कर रहा था, तो मैंने लाइन तोड़ के ही अंदर घुस गया। और लाइन तोड़ते ही मैंने उनसे बोला कि भाई एक दे दो। उन्होंने 5 मिनट बाद सोचा और 5 मिनट बाद मुझे कहा कि आके ले जाओ। तो 5 मिनट हो गए मुझे खड़े हुए, तो फिर मेरे को एक एक बाउल मिल ही गया पकौड़े और चटनी का। तो ये देखिए हम इंजॉय कर रहे हैं, चटनी और पकौड़े बहुत टेस्टी थे, बहुत ही बढ़िया थे, क्रिस्पी एकदम। देखो साथ ही में ये निहंग सिंघों की फौज चल रही थी, तो ये देखिए, और हमारे को पकौड़े बहुत बढ़िया। तो अब हमारा कुछ पीने का मन कर रहा था, तो चाय हमें दिख गई, तो चाय के कप हमने उठा लिए हैं, एक एक गरम गरम चाय थी। और साथ में पार्ले जी के बिस्किट मिल रहे थे, पार्ले जी के बिस्किट तो हम ले नहीं पाए, बट चाय पी ली बहुत बढ़िया। चाय पी के हम तरो ज्यादा हो गए थे। और साथ ही में हमारे यहाँ गतका चल रहा था, तो परफॉर्मेंस देखनी तो हमें बनती थी। तो गतका बहुत सुंदर इन लड़कों ने करा, बहुत बढ़िया करा। और साथ में एक क्यूट सा लड़का छोटा सा आया, 4 से 5-6 साल का लड़का होगा, बहुत बढ़िया गतका करा इसने। तो 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से हमें दिख गया कि शाही पनीर और रोटी मिल रही है। तो भाई हमने कहा क्यों नहीं खानी चाहिए, तो हमने शाही पनीर डलवाया, बट अंकल ने पनीर की जगह हमें तरी तरी ग्रेवी दे दी। बट तो भाई नेक्स्ट टाइम हमारे को मिल गया रोटी और पनीर की सब्जी, शाही पनीर है। क्राउड बहुत एंजॉय कर रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। और बताइए आपके एरिया में कुछ निकल रहे हैं कि निकल रहे हैं? अभी बहुत एंजॉय करेंगे, वीडियो में बने रहना साथ में। अब खाएगा परम तो बहुत बढ़िया टेस्टी है यार, परम खाएगा जी। बताओ, ओ हो आनंद आ गया, बढ़िया लग रहा है ना, मजा आ रहा है। एक डिश ऐसी होती है नगर कीर्तन में जिसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, 1 से 2 किलोमीटर। तो हमें वो डिश मिल चुकी है, तो हमने कहा क्यों नहीं खानी चाहिए। तो डिश का नाम है छोले भटूरे, जिसके लिए 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो आपको भटूरे की लाइन दिखाते हैं, सबसे लंबी लाइन जो है परम ये आगे जा रहा है भटूरे की। भाई लाइन चेक करो भाई, कितना आगे जाना पड़ेगा। चलो 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 भाई साहब, ये लाइन ही नहीं खत्म हो रही। ओ हो 2-1 किलोमीटर हो गया लाइन लगी है। तो हमें वहाँ जाना है आगे, वहाँ कोने पे घूम करके दिखाओ। लाइन आपको दिखाऊं मैं कितनी लंबी है, ये देखो एक नबी बाकी है, ये देखो यहाँ। तो आपको लेके आपको दिखाता हूँ मैं कितनी जद्दोजहद से 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लेके हम अब आ रहे हैं। बहुत लंबी लाइन है अभी, ये देखो। थोड़ा और वेट करने के बाद हमारे हाथ में छोले आ गए थे, और हमारे हाथ में साथ में सलाद इन्होंने डाल दिया, और डाल दिया अचार वगैरह, और भटूरे डाल दिया गरम गरम। यार ये खाने का जो एंजॉय है ना गुरुपुरम में यार कहीं नहीं है। और इतना लंबी लाइन लगती है ना, देखिए हमारे मेरे पीछे भी और लंबी लाइन लगी हुई है भाई। आखिरकार हमारे हाथ में सबसे जो गुरुपुरम की सबसे लंबी लाइन जिसके लिए लगी होती है वो हमारे को मिल गया है। आखिरकार मेहनत सफल आई है। कितनी देर बाद? 20 मिनट बाद भाई मिला ये लाइन लगी है। अभी सारे यहाँ पे भटूरे खा रहे हैं, और यहाँ पे देखो ये भटूरे बन रहे हैं, तो हम खा के आपको बताते हैं। अब देखिए जी, आपको दर्शन करवा देते हैं, पंज प्यारों के दर्शन होते हैं, सबसे पहले पंज प्यारे। तो गुरुपुरब का व्लॉग वीडियो कैसे लगी बताइएगा कमेंटों में, और आप इंजॉय करिए पालकी साहब के दर्शन। हो
होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर देना। अभी हम जा रहे हैं घर और ब्लॉग की होगी एंडिंग, तो आपको बताना कैसा लगा और ये भी बताना कि आगे फूड ब्लॉग के साथ ये भी कंटिन्यू करें कि ना करें, ठीक है, कमेंटों में। अभी हम चल रहे हैं ओला पे, बर्फ की ओला पे चला रहा है। ये देखो भाई आगे चला ले, ये देखो भाई ओला चल रही है और ये चला रहा है। एक खतरनाक ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर है। गुरु नानक देव पातशाही की गुरपुरब की सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई आपको, और फॉलो जरूर कर देना और यार शेयर एक जरूर कर देना। थैंक यू गाइस। ओके भाई, ओके, गुड नाइट।